स्पेशल थैंक्स ऑफ मिस्टर दविंदर सिंह जी, जिन्होंने ये पूछा कि कॉन्स्टिटेंट कॉलेज क्या होते हैं, इनको कौन चलाता है। तो नेचुरली जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाननी होती है तो हम गूगल बहन के पास जाते हैं, लेकिन गूगल बहन भी जब नहीं इंफॉर्मेशन देती तो सर्वे करना पड़ता है। वैसे ही मैंने आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा सर्वे करके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं उनकी इंटरव्यू लेके ये जाना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज क्या होते हैं, एफिलेटेड कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज से क्या डिफरेंस है, और क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं या सेमी गवर्नमेंट है, कौन इन्हें चलाता है। तो ऐसे बड़ी अच्छी मेरी नॉलेज भी अपडेट हुई है, तो वो नॉलेज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की हिस्ट्री, नेचर, डेफिनेशन और इनका जो मैनेजमेंट होती है वो कैसे चलती है। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका ये जो फिगर है, पिक्चर है, उसको हम भूल नहीं सकते। जो पिछली पिक्चर थी वो ये थी और नए वाली पिक्चर ये है। इतनी स्ट्रक्चर में चेंज आया है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज ये नहीं आया कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है, ये देख रहे हो आप, यहाँ प्राइमरी एजुकेशन है, इसको नाम दे दिया गया है फाउंडेशनल एजुकेशन। तो जो डिवीजन है, तीन डिवीजन एजुकेशन की जाती है इंडिया में। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को अगर आपने देखना है, पहले जो डिवीजन थी वो यहां तक थी, अपर प्राइमरी जिसको बोला जाता था, और फिफ्थ क्लास तक लोअर प्राइमरी बोला जाता था, और स्कूल में एंट्री से पहले जो तीन साल, जिसे के भी बोल रहे, किंडरगार्टन भी बोला जाता था, और प्री प्राइमरी एजुकेशन भी बोला जाता था। चलो ये नेम चेंज है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, जो टेंथ तक हो गई सेकेंडरी, और आगे चल के जो दो साल है 10+2 तक है वो हो गई सीनियर सेकेंडरी। तो इसके बाद टर्शरी एजुकेशन शुरू होती है। तो इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है इंडिया में, ये हो गया प्राइमरी जो बात करके आया हूं, प्राइमरी, लोअर, अपर, ओके, एट्थ तक आ गया, फिर सेकेंडरी जो टेंथ तक है, और सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी में क्या फर्क है। सेकेंडरी जहां शब्द आता था हिस्ट्री में पहले, ठीक है, अब तो वो नए वाला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो चलेगा, तो वो हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10+2 के लिए यूज किया जाता है। हमने यहां इस वीडियो में बात करनी है टर्शियरी एजुकेशन की। ये शब्द जानबूझ के यूज किया जा रहा है क्योंकि जो एग्जाम देते हैं वो टर्शियरी एजुकेशन से वाकिफ नहीं है। तो टर्शियरी एजुकेशन इज नथिंग बट हायर एजुकेशन, ओके। हायर एजुकेशन क्या है कि जो आपके कोर्स शुरू होते हैं अंडर ग्रेजुएशन के, ठीक है, जिसे आप बीएससी, बीए, बीकॉम ये बोल देते हो, 3 ईयर कोर्स नॉर्मली होता है, उसके बाद नॉर्मली 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, इससे डिफरेंट भी हो जाती है आगे चल के, जो डॉक्टरेट लेवल है, जहां हायर लेवल है, एमफिल तो जो नई पॉलिसी है उसमें डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो ये इन कॉलेजेस को रन करना है, हायर एजुकेशन को टीच करना है, एम होता है कि एनरोलमेंट इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो उस जो उसको इंक्रीज करने के लिए इंडिया में क्या क्या होता रहा है, उसमें एक जो डेवलपमेंट हुई है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आए हैं, उसकी हिस्ट्री इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। पहले ये बताता हूं, टर्शियरी एजुकेशन हमारे पास आ गई है। टर्शियरी एजुकेशन में जो हायर लेवल है, यूनिवर्सिटी हमारे पास है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पर फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के नीचे जो कॉलेजेस आ जाते हैं, कॉलेजेस का मुझे अभी मिला था कॉलेज, लैटिन वर्ड कॉलेजियम से बना है, जिसका मतलब होता है क्लब और सोसाइटी, जिसके कोई कॉमन रूल होते हैं, ठीक। तो कॉलेजेस, अब जो कंसेप्ट है आप जानते हो कॉलेज क्या है। कॉलेजेस दो तरह के हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, यहां पर इसको ले लेता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉलेज का दूसरा नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज भी है, जो इसके कंसेप्ट और डेफिनेशन, जब मीनिंग को इजी कर देता है। कंडक्ट कॉलेज भी इसको कहा जाता है। और दूसरी तरफ इसके जो विरोध में है कॉलेज, विरोध में नहीं, इसको समझने के लिए विरोध बोल रहा हूं, एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है।
एफिलेटेड कॉलेज है, आगे जो है गवर्नमेंट कॉलेज, जो यहाँ पर ये बात जान ले कि ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि एस्टेब्लिशमेंट किसने की, मैनेजमेंट कौन कर रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है नेचुरली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इट मींस एस्टेब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है नेचुरली, गवर्नमेंट नेचर उसकी आ गई, और मैनेज बाय यूनिवर्सिटी। अब जो एफिलेटेड कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज जो एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय, जो कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा बेशक हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेशक हो किए जाते हैं, एस्टेब्लिश भी किए जाते हैं, जैसे 49 कॉलेज पंजाब में हैं, वो हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि काफी पुराने कॉलेजेस होते हैं जिसमें जिनमें पोस्ट के लिए काफी संघर्ष स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैनेज भी गवर्नमेंट के रूल के, आप जानते हो कि गवर्नमेंट की हायरार्की होती है, प्रिंसिपल के ऊपर गवर्नमेंट हायरार्की है, वो उसको मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है। इसके अलावा दूसरे कुछ कॉलेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेते हैं, एफिलिएशन लेके लेकिन उनको जो एस्टेब्लिश कौन करता है, कोई ट्रस्ट करता है, ठीक है। वो ट्रस्ट जो पुराने ट्रस्ट थे जो सेमी 95% जो गवर्नमेंट से एड लेते थे उनको हम गवर्नमेंट कॉलेजेस कह देते हैं, ठीक है। तो और जो जिनको जीरो मिलता है, ये काले अक्षरों से लिखा हुआ है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, काले अक्षरों से क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इसमें बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वाई हम सेल्फ फाइनेंस एडेड या इसकी तरफ से गवर्नमेंट कॉलेजेस में भागते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का जब कंसेप्ट क्लियर नहीं था तो लोग इनकी तरफ शायद भागे नहीं, जिनको पहले से रेगुलर जॉब मिल गई, आगे चल के या नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि प्रेजेंट स्टेटस उनका क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, इनमें वाइस चांसलर होल सोल डिसीजन मेकर है, ठीक है। उनके नीचे डायरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी उसमें 10-15 कॉलेज हैं, तो उस 10-15 कॉलेजेस को का जो एक इंचार्ज हो गया डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, नेचुरली सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन मोड में, सिलेक्शन प्रोसीजर में, इंटरव्यू में ये मिनिमम जरूर बैठेंगे हर हालत में। डायरेक्टली तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक, कोई भी हाथ नहीं है, इवन कोई एमएलए कंसेप्चुअली इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता, जीरो इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये टोटली सेंटर की स्कीम है। इट मींस आप कह सकते हो कि ये सेंटर के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये कहा जा सकता है। दविंदर जी ने जैसे पूछा था कि क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इवन ये सेंटर के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और ये भी साबित किया जा सकता है, हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि सेंटर की इंस्टीट्यूट किसी भी स्टेट से लगभग बेटर रहती है, क्योंकि स्टेट में जब भी कोई कंसेप्ट आ जाता है, कुछ प्रैक्टिकली कुछ भी होता है, तो करप्शन लेवल इतना ज्यादा होता है कि सैलरी मतलब डिमांड इतनी करनी पड़ती है, जैसे 6th पे कमीशन अभी है, सेंटर 7th पर भी पहुंच चुकी है, डीए कितना फर्क होता है, पेंशन नॉन पेंशनेबल, देखना जब ये डिफरेंस आपके सामने आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के, इस पर डिफरेंट वीडियो पूरा बना दूंगा। तो आपको ये लगेगा जब आप सैलरी इंक्रीमेंट पेंशन इनको कंपेयर करोगे तो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है अगर इनमें रेगुलर है तो ये स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से भी बेटर है, क्योंकि सेंट्रल मैनेजमेंट है। जो यूनिवर्सिटी का सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाइस चांसलर को अथॉरिटी फुल बटा फुल दी हुई है, और वाइस चांसलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस जो अकाउंटेबिलिटी जो भी बेशक फाइनेंशियल है या कोई और है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, ठीक। तो इसकी यहां पर ये समझ लेते हैं बाद में आके, पहले ये समझ लेते हैं कि ये आए कहां से, हिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की इंडिया में हिस्ट्री क्या है। 2001 में सर्वे हुआ हायर एजुकेशन इन रूरल एरिया में, जो स्टेटस था जो आइडेंटिफाई हुआ, मैं पहले सर्वे जो होता है उसके बारे में बता दूं, जो रिसर्च या सर्वे होता है नेचुरली उसने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी मेकर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का ये सर्वे चल रहा है लेकिन ये कुछ कुछ डाउन ये एरिया आ रहे हैं, ये 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 ये, 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 ये
मान लीजिए कि ये एवरेज लेवल ऑफ हायर एजुकेशन है, ये चल रहा है, ठीक है। सर थोड़ा सा इसको भी डाउन कर दूं, ये वाला, सॉरी दोबारा, हाँ नहीं, इसको रब करके ये थोड़े से डाउन कर दे। ये मान लीजिए कोई ऐसे 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 है, तो ये जो मिडल वाली लाइन मैंने खींची है ये एवरेज लाइन है, ठीक है। मान लीजिए तो कुछ एरियाज आए, ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं जिनमें जिन रूरल एरिया के बच्चों को 10+2 के बाद एजुकेशन नहीं मिली हुई, बैकवर्ड ब्लॉक्स इसको कह दिया, जैसे एलिमेंट्री या स्कूल लेवल की एजुकेशन में ईबीबी के कंसेप्ट है, एजुकेबली बैकवर्ड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं। नेचुरली जब गवर्नमेंट ने जैसे इंडिया में देखा कि ये एवरेज से ये एरिया डाउन जा रहा है, ये एरिया भी बैकवर्ड जा रहा है हायर एजुकेशन में, ये भी जा रहा है, 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 बैकवर्ड जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहे हैं गुड है, कुछ एवरेज है। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसी का ये फोकस होता है जो बैकवर्ड एरियाज है, यहां पर बैकवर्ड रूरल एरियाज विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन है, उनको आइडेंटिफाई 2001 में कर लिया गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन के बेस पर 2011 में जो पॉलिसी बनी कि ये जो लोअर एवरेज से लोअर रूरल एजुकेशन है, देखिए जो सोर्स मेरा इंफॉर्मेशन का है वो कोई नेट या गूगल या कोई नहीं है, जो इंटरव्यू में बताया गया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां भी गलती हो माफी मांगता हूं, अगर कोई करेक्शन हुई तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन 2001 में आइडेंटिफाई किए गए, 2011 में उसको उन ब्लॉक्स को उन बच्चों की हायर एजुकेशन को अपवर्ड ले जाने के लिए, अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, सोशल सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, अपवर्ड मोबिलिटी उनको बेटर करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ये स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी, स्टार्ट कर दी थी। इट मीन 2011 में पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज को जो ज्यादा बैकवर्ड एरिया थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हुआ कि जो जो फंड्स प्रोवाइड किए गए उनमें से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के वो फंड्स में से ही लैंड परचेज की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और उनके साथ ही पर ईयर फंड्स प्रोवाइड किए गए, वो फंड्स थे 1,50,00,000 पर ईयर जब ये स्कीम शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद चेंज आता गया, स्ट्रेंथ बच्चों की अगर बढ़ती गई तो नेचुरली टीचर बनने थे, बजट में इंक्रीमेंट हुई, वो मेरे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो खुलने शुरू हो गए, कॉलेज की नेचर मोस्टली कोएड है, लेकिन जहां पर गर्ल्स ज्यादा बैकवर्ड थी वहां गर्ल्स कॉलेज भी है, ठीक। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि ये कॉलेजेस मोस्टली वैसे है कंसेप्चुअली ये रूरल एरिया में है, लेकिन पंजाब में जब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की भी बात करूंगा, तो एक आध कॉलेज सिटी के नजदीक भी है, वो कैसे बना वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, उस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू में 240 या 250 के करीब इनको सीट्स दी गई, और जब एक रेगुलर प्रिंसिपल रखा गया, ठीक है, साथ में टीचर जो रेगुलर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रखे गए, वो 8-10 के करीब रखे गए जब 2011 से स्कीम शुरू हुई। 2012 में और थोड़े कॉलेज और एरिया में खुलने लगे, 13, 14, 15, 16, 17 तक, पंजाब में 17 तक ये कॉलेज लगभग खुलने शुरू हो गए। जैसे ही वो पुराने कॉलेज थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी इंक्रीज होने लगी, कारण ये है क्योंकि बैकवर्ड एरिया पर फोकस है, रूरल एरिया पर फोकस है, नेचुरली बच्चों उन बच्चों के लिए जिनके पास जो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते, इट मींस के इनका फी स्ट्रक्चर भी कम होगा,
ये क्लियर है, तो फी स्ट्रक्चर कम होने से दूसरा जो रेगुलर टीचर मिलने से धीरे धीरे इनकी गिनती बढ़ने लगी। अब पंजाब में या किसी और में भी 2500 के करीब आराम से, मतलब 2000-2500 के करीब स्ट्रेंथ इनकी है, उसकी बात दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक, अच्छा, जो रेगुलर प्रिंसिपल कब के लगे हुए हैं इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। अब कई की सैलरी जो 2.5 लाख से ऊपर है अब जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, एंड पेंशन की वेट कर रहे हैं, वो पेंशन मिलेगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले ही इनके पास अंडर ग्रेजुएट, मतलब बीए बीएससी ये कोर्स दिए गए, और उसके बाद जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती गई पोस्ट ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू लोकल एरिया की डिमांड के मुताबिक इनको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी दिए जाने लगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में लगभग 30 सीट्स फिक्स होती हैं और मेरिट बेस पर, जनरली वो प्रीवियस वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, एकेडमी कोई मेरिट टेस्ट भी ले सकता है और कोई सीधा पिछले मार्क्स को देख के जो बच्चे हैं एमए एमएससी में एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो नेचर है रही है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की, ऐसे डेवलपमेंट हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई इसमें, शुरू में जब ये एस्टेब्लिश हुए तो रेगुलर प्रिंसिपल रखे गए, रेगुलर जो स्टाफ रखा गया, लेकिन जैसे जैसे देखिए यहाँ 250 और ये पहुंच गए, इट मींस 10 गुना आगे चले गए। इट मींस अगर 10 स्टाफ, 8 या 10 रखे थे, यहाँ 8-10 स्टाफ था, जहां 8-10 स्टाफ था, यहाँ पर 80 का स्टाफ चाहिए। तो क्या हुआ कि उसके बाद के गवर्नमेंट जो आई, मैं उसकी बात यहां नहीं करूंगा, तो उसके बाद रेगुलर स्टाफ नहीं रखा गया। ठीक, रेगुलर स्टाफ की जगह पर वही एक्सप्लॉयटेशन वाले और कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गेस्ट फैकल्टी और जो पीटीए को जो फंड को यूज करना, तो वो कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं, उसकी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो वो जो कमी है, जो इतनी कमी है टीचर्स की, मतलब ये मैं बता रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए, अगर पॉलिसी या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर होती है तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज फिल की जा सकती हैं। ठीक, तो ये होप है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेट गवर्नमेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर से, करप्शन से और जो एक्सप्लॉयटेशन से, है ना, चेक डेजेक से, सभी से कंपेयर कर सकते हो। मीन ये कहा जा सकता है कि ये कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के उनसे बेटर है, अगर आप सिर्फ अगर फाइनेंशियल प्लस क्वालिटी प्लस एम देखिए कि रूरल एजुकेशन के, रूरल एरिया के बच्चों को आगे ले जाना है। अच्छा, वापिस चलते हैं यहाँ पर, तो इनकी अब कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो जो मैनेजमेंट है, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, जो सैलरी डिसाइड होती है, नेचुरली उधर से सैलरी डिसाइड होती है, जो प्रेजेंट स्टेटस है इनका, सैलरी स्टेटस क्या डिवीजन है, इस पर डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स भी मैनेज करते हैं ये, नेचुरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी, मैनेजमेंट फाइनेंशियल कौन करेगा, वाइस चांसलर करेंगे, डायरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन मोड, वर्कलोड, हॉलीडेज, वेकेशन, जो लीव रूल्स हैं, बाकी सब कुछ ऐसा है, वो सारा कुछ ही कौन, वाइस चांसलर, मतलब के यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। ये आप कह सकते हो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में काम कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी के टीचर हैं जो उनकी फीलिंग फुल बटाफुल आप ले सकते हो, क्योंकि सारा कुछ ही कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी का हेड वीसी है, वीसी ने नीचे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो स्कीम जो है डायरेक्टर कॉलेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज लगा रखे हैं। तो इसके अलावा जो मटेरियल है वो मैं बता चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा जाता है, अभी इन कॉलेजेस की डेवलपमेंट चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो लैंड जो है वो सारा कुछ, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल या हक नहीं है। लर्निंग रिसोर्स अपडेट अभी हो रहे हैं। ठीक,
तो एकेडमिक जो है करिकुलम किसने डिसाइड करना है, यूनिवर्सिटी नहीं करना है, इवेल्युएशन एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी नहीं करना है। तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सैलरी है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। अपॉइंटमेंट कैसे है, पीपीएससी ने करनी है, डायरेक्ट होनी है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब में अभी निकली है, वर्कलोड, हॉलीडेज, ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्स, लैंड, लोकेशन, ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। हाँ, करिकुलम और इवेल्युएशन सभी कॉलेजेस में सेम है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। दूसरी तरफ ट्रस्ट के जो कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, उनका भी प्राइवेट बोर्ड एक ट्रस्ट होता है, वो ही सिलेक्शन प्रोसीजर में डोमिनेट कर जाता है। हाँ, पंजाब में जो नया एक्ट पास हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंज, मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट देखने की आस हम रख सकते हैं, ठीक। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो तो हॉल्स होल आपको पता ही है, उसकी कोई कहने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन ये वो, हॉलीडेज तो का नाम तो कंसेप्ट होता ही नहीं है आपको शायद, हॉलीडेज प्राइवेट कॉलेज में, वोकेशन ना ना ना, लीव रूल ना, कोई रूल नहीं है। वर्कलोड यस, फुल बड़ा फुल, फुल बड़ा फुल, ओके। तो अपॉइंटमेंट कैसे होनी है, तो यूजीसी वाले को नहीं रखा जाता, चलो ये बातें यहाँ नहीं करेंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि टोटल मिला के कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो एक स्कीम के अधीन चले हैं, और बेटर इनसे ज्यादा कहे जा सकते हैं। अगर रेगुलर पोस्ट इनमें निकलती है तो मेरे ख्याल में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस से ज्यादा प्रेफर करने के लिए, प्रेफर सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो कॉलेज हैं वो करने चाहिए। अगर नहीं तो और रेगुलर जो स्टाफ है उनकी स्टेटस, नेक्स्ट में सैलरी जो भी होगा, आपको प्रेजेंट स्टेटस है वो बताऊंगा, उससे आप मेरे ख्याल में मोटिवेट हो सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी जो आपने कमेंट किए हैं उस पर भी वीडियो जल्द ही अपलोड करता हूँ। थैंक यू।